मोदी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे लहसुन, धान, आलू, बाजरा, ग्वार और सोयाबीन की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप जान सकेंगे मंडी खबर में। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राजकोट मंडी में 400 रुपए चमके लहसुन के बाजार भाव। पालमपुर मंडी में 5000 रुपए टूटकर हुई खरीद। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे धान के बाजार भाव। कुछ मंडियों में दर्ज हुई तेजी। सूरत मंडी में 2325 रुपए पर हुआ आलू का कारोबार। लखनऊ मंडी में 2160 रुपए पर हुए सौदे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लहसुन के बाजार के साथ। बता दें आपको कि मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में लहसुन की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। इसके बाजार भाव की बात करें तो लहसुन की खरीद मिले जुले रुख के साथ हुई। लहसुन के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य रही, वहीं मंडियों में इसके भाव भी चढ़ते उतरते रहे। साथ ही कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर भाव पर हुए। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 21 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 21,600 रुपए, जो कि 22 अक्टूबर को 400 रुपए बढ़कर 22,000 रुपए हो गया। जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में लहसुन के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 21 अक्टूबर को इसका भाव रहा 32,000 रुपए, जो कि 22 अक्टूबर को 5,000 रुपए लुढ़क कर 27,000 रुपए हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में लहसुन के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 अक्टूबर को लहसुन का भाव बिना किसी बदलाव के 20,000 रुपए पर बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 22 अक्टूबर को लहसुन का भाव 300 रुपए चढ़कर 15,900 रुपए से 16,200 रुपए हो गया। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। लहसुन के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान लहसुन का निर्यात था 57,346 मीट्रिक टन, जबकि इस साल यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। लहसुन की पैदावार की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा लहसुन की पैदावार करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश तकरीबन 65% लहसुन की पैदावार करता है। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात भी ऐसे राज्य हैं जहां लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और यहां पैदावार भी अच्छी होती है। इस साल लहसुन की पैदावार को देखें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान लहसुन की कुल पैदावार 32,13,930 टन रही, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 32,39,453 टन रही थी। तो अभी आपने लहसुन के बाजार के हाल के बारे में जाना और किस तरह से कारोबार हो रहा है मिले जुले रुख पर, अभी इसके बारे में जानकारी हासिल की। पैदावार की बात करें तो इस बार इसमें कमी का अनुमान जताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इसके जो बाजार भाव है वो प्रभावित हो सकते हैं। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। धान के बाजार की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे धान के बाजार की, तो जानकारी दें आपको कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को धान का जो कारोबार है वो स्थिर भाव पर हुआ। वहीं कुछ मंडियों में धान के भाव में मजबूती दर्ज की गई। बता दें कि घरेलू स्तर पर धान की पैदावार में बढ़त का अनुमान है, जिसका असर धान के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। धान के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है।
भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को दाहोद और लखीमपुर मंडी में धान के सौदे तेजी के साथ हुए, जबकि लखनपुरी, जलालाबाद और कोटा मंडी में धान के भाव स्थिर रहे। एग्मार्कनेट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में 21 अक्टूबर को धान का भाव रहा 2100 रुपए, 22 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2100 रुपए पर बना रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में 21 अक्टूबर को धान का भाव रहा 1715 रुपए, जो कि 22 अक्टूबर को 45 रुपए की बढ़त के बाद 1760 रुपए हो गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में धान की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहां दोनों दिन यानी 21 और 22 अक्टूबर को धान का भाव 2320 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह स्थिर भाव का सिलसिला राजस्थान की कोटा मंडी में भी बना रहा। यहां 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को धान के सौदे भी बिना किसी फेर बदल के 2800 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 21 अक्टूबर को धान का भाव रहा 2160 रुपए, जो कि 22 अक्टूबर को 15 रुपए की छलांग लगाकर 2175 रुपए पर पहुंच गया। बात धान की उपज की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में धान की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 1378,25,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 1357.55 लाख टन की तुलना में 2070,000 टन की बढ़त को दर्शाता है। तो धान के बाजार का हाल अभी आपने जाना कि किस तरह की परिस्थितियां हाल फिलहाल में बनी हुई हैं, आगे कैसा माहौल रह सकता है जानते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात जो धान के बाजार भाव में बने हुए हैं, क्या आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा या फिर हम कुछ बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? बात करें धान की तो धान के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। इस बार हमने देखा है कि धान की फसल भरपूर रही है, मंडियों के अंदर आवक आती हुई दिखाई दी है। हमने भी देखा है कि इस बार धान की पैदावार पिछले साल के मुकाबले बंपर होती हुई दिखाई दी है। आने वाले दिनों में आवक और बढ़ सकती है, लग रहा है भावों में आगे एक कुछ मंदी के साथ भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि यहाँ पर नरमी का माहौल देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में हमारे जो धान के किसान है उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? धान के किसानों को सलाह है कि उनको भी फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी का रुख देखा जा सकता है। हालांकि लंबी अवधि में निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है, मगर फिलहाल छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसानों को धान को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो धान की बिकवाली करके चलना ही यहाँ पर धान के किसानों के लिए सही रहेगा, क्योंकि आगे नरमी का अनुमान है। अनुजी, इसी के साथ आपसे भी गुजारिश करेंगे, आप भी बने रहिए हमारे साथ, आगे बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, उड़द के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का जो बाजार भाव है 7,700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 10,500 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में 7,200 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो 7,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो उड़द का हाल आपने जान लिया, इसी के साथ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी आलू की। आप बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर, देखते रहिए मंडी खबर। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं आलू की। बताएं आपको कि मंगलवार को मंडियों में आलू की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। इसके बाजार भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जो सूरत मंडी है यहाँ पर आलू का बाजार भाव 2,325 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू की बिकवाली हुई 1,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। बता दें आपको राजस्थान की सूरत गढ़ मंडी का हाल, तो यहां पर आलू 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका,
जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में आलू के सौदे 2,160 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब नजर डालते हैं आलू की उपज पर। तो साल 2023-24 के दौरान आलू की जो पैदावार है लगभग 570.49 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में दर्ज गिरावट है। जी हाँ, कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो 21 सितंबर को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। तो जाना अभी आपने आलू के बाजार के हाल के बारे में, बाजार भाव की स्थिति का जायजा लिया। आवक बिल्कुल सामान्य है, लेकिन पैदावार हम देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी कम हो रही है। तो ऐसे में किस तरह का माहौल रह सकता है आगे आने वाले समय में, इसके बाजार में हम जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुजी, आलू को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आलू की अगर बात करें तो आलू के बाजार में हम थोड़ा उछाल आते हुए देख रहे हैं, आवक थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी, इसके वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। मगर हमें लगता है कि आने वाले दिनों में आवक बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार अगेन हमने आलू में अच्छी पैदावार देखी है और लग रहा है कि आगे आलू के भावों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। हमें लगता है कि जैसे जैसे आवक बढ़ेगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि आवक बढ़ेगी तो नरमी का माहौल देखने को मिल सकता है इसके बाजार भाव में। तो ऐसे में हमारे जो आलू के किसान हैं, उन्हें क्या करने की सलाह देंगे आप? आलू के किसानों को सलाह है कि उनको अभी फिलहाल क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, जो उनको उछाल मिल रहा है यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि आगे हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। आगे चलकर आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों के पास अच्छा मौका है, जो भी उछाल आया हुआ है यहाँ पर अपनी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। बिल्कुल, तो हाल फिलहाल में ही बिकवाली करके चलना सही रहेगा हमारे आलू के किसानों के लिए। बात हो गई आलू की, बढ़ते हैं आगे, ज्वार के बाजार भाव की जानकारी पहुंचाते हैं आप तक। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का बाजार भाव 3,605 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि बता दें महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 4,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की कोटा मंडी में 2,311 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 3,050 रुपए प्रति क्विंटल। तो जाना आपने ज्वार के बाजार भाव का हाल, ऐसा ही हाल आपको बताते हैं केले के बाजार भाव का भी। गुजरात की पोरबंदर मंडी की बात करेंगे, केले की बिकवाली हुई 2,750 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में बाजार भाव रहा 2,200 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 2,530 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जी हाँ, ज्वार और केले के जो बाजार भाव हैं, आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बढ़ते हैं आगे बाजरे के बारे में, अब आपको जानकारी देते हैं। मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं इसके हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, बाजरे का बाजार भाव यहां 2,125 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में बाजरा 2,470 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में बाजरे के सौदे 2,625 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। जानकारी दें आपको कि हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बात करते हैं बीते साल की, तो इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही साथ आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 की बात करें तो इस दौरान खरीफ बाजरे का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया।
तो बाजरे का हाल अभी हमने जाना है, आइए इस पर और भी जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी से, लगातार हमारे साथ ऑनलाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, बाजरे की अगर हम बात करते हैं तो आगे किस ओर जाते नजर आ सकते हैं इसके बाजार भाव? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के अंदर हमने एक मिला जुला कारोबार देखा है, हालांकि मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ी है जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है, मगर जिस तरीके से मानसून गया है हमें लगता है कि इस बार बाजरे की पैदावार बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में भावों पर नरमी का रुख देखा जा सकता है। लंबी अवधि में डिमांड का असर भावों पर रहेगा तो भावों को सपोर्ट मिल सकता है, मगर छोटी अवधि में आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो छोटी अवधि में यहाँ पर आप कह रहे हैं कि नरमी रह सकती है, जबकि लंबी अवधि में मजबूती भी यहाँ पर अनुमानित हो रही है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं बाजरा जिनके पास स्टॉक किया हुआ है, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? बाजरे के किसानों को सलाह है कि उनको अभी फिलहाल क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए, छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है, जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। छोटी अवधि के किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेचकर निकल जाएं, मगर लंबी अवधि के लिए हमें लगता है कि किसान क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे बाजरे के किसानों को, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने बता दिया। तो अभी आपने जाना बाजरे के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे ग्वार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिन्सों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर, देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं ग्वार की। बताएं आपको कि मंगलवार को मंडियों में ग्वार की आवक बिल्कुल सीमित से रही। इसके भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो धोल मंडी है यहाँ इसका बाजार भाव 3,650 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि आपको बताएं राजस्थान की अनूपगढ़ मंडी का हाल, तो ग्वार के सौदे 5,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करें ग्वार गम के निर्यात की, तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल से मई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। बीते दो महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 87,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 65,332 टन का हुआ था। बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। तो ग्वार गम के बारे में भी जानकारी लेते हैं। अनुज जी, ग्वार को लेकर क्या कहेंगे कि किस तरह का माहौल रह सकता है इसके बाजार में आगे? ग्वार में हमने अगेन तेजी लौटती हुई देखी है, वायदा व्यापार के अंदर भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं, डिमांड का असर भावों पे रहा है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि भावों में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडियों में आवक कम देखने को मिले जिसका असर भावों पे दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ग्वार के बाजार में एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। क्रॉप के अंदर देखें तो आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे में जैसे आप कह रहे हैं कि सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो किसान क्या कर सकते हैं ग्वार के? ग्वार के किसानों को सलाह है कि उनको अभी फिलहाल क्रॉप को रोक के चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। ग्वार के अंदर जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे और लग रहा है कि आगे चलकर भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने इस बार क्रॉप की पैदावार में कुछ कमी आते हुए देखी है। लग रहा है कि आगे भावों में तेजी का रुख देखा जा सकता है, किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, तो अच्छी मांग के चलते आगे अनुमान है इसमें मजबूती देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में किसान जो है वो थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं ताकि आगे आने वाली तेजी का
फायदा उठा सके। ग्वार की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बुलेटिन में जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में संतरे का जो बाजार भाव है वो किस स्तर पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में संतरे का बाजार भाव 6000 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि आपको बता दें महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे हुए 4000 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में 4200 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया, जबकि पंजाब की जलंधर मंडी में सौदे हुए 2900 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो आपने संतरे का हाल तो जान लिया, ऐसा ही हाल आपको भिंडी का भी बताते हैं। गुजरात की सूरत मंडी की बात करेंगे, भिंडी का जो बाजार भाव है 4000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे हुए 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में 3500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। और वहीं बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी की, तो यहां पर बिकवाली हुई 2240 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं, चाहे संतरे के हैं चाहे भिंडी के हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सोयाबीन की। मंगलवार को मंडियों में सोयाबीन की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। बताएं आपको इसके बाजार भाव का हाल, तो एगमार्क नेट के अनुसार मंडियों में सोयाबीन के भाव कुछ इस तरह से रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का बाजार भाव 4055 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं आपको बताएं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी का हाल, तो यहां पर सोयाबीन की बिकवाली हुई 3802 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की कोटा मंडी में इसका बाजार भाव 4450 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में सोयाबीन के सौदे हुए 4400 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी इजाफा होगा। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी है साल 2023-24 के दौरान 4600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4892 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बता दें आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 130,62,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149,85,000 टन रही थी। तो सोयाबीन में हमने देखा है कि पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप अनुज, आगे आने वाले समय में किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव? सोयाबीन के अंदर हम भावों में उछाल आते हुए देख रहे हैं। फेस्टिवल सीजन की डिमांड की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं सभी तिलहन के अंदर एक तेजी लौटती हुई दिखाई दी है। त्योहारी मांग का असर भावों पे आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि सोयाबीन की इस बार हमने बंपर क्रॉप देखी थी, आवक भी अच्छी आती हुई देखी है, मगर फिलहाल छोटी अवधि में त्योहारी मांग का असर भावों पे रह सकता है और हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो तेजी देखने को मिल सकती है छोटी अवधि की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे में हमारे सोयाबीन के किसान क्या कर सकते हैं, सलाह क्या रहेगी आपकी? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि उनको भी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करने की चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसान अगर क्रॉप को यहाँ से होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं हमारे सोयाबीन के किसान। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, नींबू के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की। नींबू का बाजार भाव 10,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में सौदे हुए 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में बाजार भाव रहा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। सभी जो बाजार भाव हम आपको लगातार बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब जाते जाते जानते हैं कि आज के मंडी खबर प्रोग्राम में क्या है हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह।
अगर हम ओवरऑल आउटलुक की बात करें तो हमें लगता है कि किसानों को अभी धान को बेच कर निकल जाना चाहिए। धान में हमें लगता है कि अभी और नरमी देखी जा सकती है, बम्पर क्रॉप रही है और हमने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल धान के अंदर कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसानों को धान को बेच कर निकल जाना चाहिए। हालांकि लंबी अवधि में उनको सपोर्ट मिलेगा निर्यात मांग से, मगर फिलहाल छोटी अवधि में लग रहा है कि धान के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसान को अभी धान से निकल जाना चाहिए। हमें लगता है कि ये किसान अगर धान की तरफ देख रहे हैं तो फिलहाल अभी क्रॉप से एग्जिट हो सकते हैं। तो ये थी हमारे विशेषज्ञ की सलाह हमारे धान के किसानों के लिए। और इसी के साथ अनु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अलग अलग जिनसों पर इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आपने अलग अलग मंडियों का हाल जाना और इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। देश के अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हर पंजाबी फैमिली जो है वो एटलीस्ट संडे को एक बार कढ़ी पकौड़ा और चावल तो जरूर खाती है ना, तो वही कढ़ी पकौड़ा बना रहे हैं हम, लेकिन मिलेट के साथ। और जानते हैं आप कि सबसे कम केमिकल्स, सबसे कम पेस्टिसाइड से उगने वाला मिलेट एक ग्रेन है जो स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी, फर्स्ट क्लास, एकदम क्रिस्पी और अंदर जो है वो दही की नरमी है। गार्निश में अजवाइन का पत्ता। श्री अन्न इस मंगलवार 22 अक्टूबर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अक्टूबर पर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। यार हरमन, पेरिस ओलंपिक में हम फाइनल खेलते खेलते रह गए। कोई बात नहीं मंदीप, दोबारा से मौका मिल रहा ना हमें। पर जर्मन जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हराने का मजा ही कुछ और है। लास्ट ओलंपिक में हमें जर्मनी को हरा के हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ना ही वो बात भूलें और ना ही आप भूलिए। जी हाँ, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मुकाबला होने जा रहा है और हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इस मैच को, इस कंपटीशन को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। स्वागत है आप लोगों का झीलों के शहर उदयपुर में। इनको यहाँ से हमारा जो ट्रेंच आ रहा है इसको कंटिन्यू करना है। देखने से आसान लगा, शुरू होने के बाद देखा ज्यादा पत्थर था नीचे। मुझे थोड़े तो डाउट में लग रहे थे वो। टेक्निकली थोड़ा सा ये मुश्किल काम है। हाँ। देखिए खेत खेत में हर शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 11 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार
सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।